हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी पब्लिक स्कूल जोगी ठेर सिविगंज बरेली में। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार चैप्टर लेकर प्रेजेंट हुए हैं, जो कि है क्लास ट्वेल्थ की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 बायो मॉलिक्यूल्स, जिसे हिंदी में कहते हैं जैव अणु। तो इस वीडियो में आज हम डाइसैकेराइड्स, जो कार्बोहाइड्रेट्स का एक पार्ट है, वो स्टडी करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा डाइसैकेराइड्स। तो सबसे पहले बात करते हैं ये डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो जिनका हम हाइड्रोलिसिस कराएं, तो वो क्या करें, दो यूनिट दें किसके, मोनोसैकेराइड्स के। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को हम डाइसैकेराइड्स कहते हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसका क्या कराना है, हाइड्रोलिसिस कराना है, किसकी प्रेजेंट में, या तो किसी एसिड या फिर एंजाइम की प्रेजेंस में, वो हमें क्या दे, दो यूनिट ऑफ किसके, मोनोसैकेराइड्स के, तब हम कहेंगे उसे कि वो क्या है, डाइसैकेराइड्स है। अब ये मोनोसैकेराइड्स में ग्लूकोज हो सकता है, फ्रक्टोज हो सकता है, गैलेक्टोज भी हो सकता है। तो इनके कुछ एग्जाम्पल्स डाइसैकेराइड्स के, जैसा है सुक्रोज, साथ ही साथ सुक्रोज के अलावा माल्टोज एंड लैक्टोज एटसेट्रा। तो यहां पर इसमें ये जो ग्लूकोज है और फ्रक्टोज है, ये कौन से होते हैं, तो इसमें जो ग्लूकोज है ये होता है अल्फा डी ग्लूकोज, और जो फ्रक्टोज है ये कौन सा होता है, बीटा डी फ्रक्टोज। तो सबसे पहले ये सुक्रोज से ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये कैसे फाइंड होते हैं, पहले ये देख लेते हैं। इसके बाद में इस सुक्रोज का जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है वो क्या होता है वो देखते हैं। तो सुक्रोज का जो फार्मूला होता है वो होता है C12H22O11। ये क्या हो गया, सुक्रोज। जब इसका किसी एसिड से हाइड्रोलिसिस कराया जाए या फिर इन्वर्टेज एंजाइम, तब हमें क्या मिलता है, यहां पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये दोनों फाइंड होते हैं। ये हमें बीटा ग्लूकोज फाइंड होता है और ये अल्फा ग्लूकोज फाइंड होता है। तो इससे हमें पता लग रहा है कि इसमें अल्फा ग्लूकोज होता है और ये बीटा फ्रक्टोज होता है। किस तरह का इनसे जो सुक्रोज यूनिट है वो बनती है वो भी देख लेते हैं। तो ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होता है अल्फा डी ग्लूकोज का, वो होता है सी, कितने 6 एटम बनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। 6 नंबर के कार्बन एटम पर CH2OH, और पहले नंबर के कार्बन एटम पर यहां पर H और यहां पर OH होता है, और इधर
ओ एच और ये एच, यहां पर ये थर्ड नंबर के कार्बन एटम पर जो एच और ओ एच का कॉन्फिगरेशन होता है वो चेंज होता है। फोर्थ नंबर के कार्बन एटम पर एच और ओ एच ऐसा का ऐसा ही और ये एच। यहां पर क्या होगा, जो फर्स्ट नंबर का कार्बन एटम है वो इस फिफ्थ नंबर के कार्बन एटम के साथ एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाती है, ऑक्सीजन के साथ ये बन गया अल्फा डी ग्लूकोज। अब इस अल्फा डी ग्लूकोज का हमें किसके साथ कॉम्बिनेशन करना है, बीटा डी फ्रक्टोज का। तो यहां पर बीटा डी फ्रक्टोज, तो क्या होता है फ्रक्टोज का जो फार्मूला होता है स्ट्रक्चर फार्मूला वो क्या है, सी एच टू ओ एच, बीटा है तो इसमें कार्बन इधर और यहां पर एच होता है और इधर सी, इससे क्या होना है ये फर्स्ट हो गया ये सेकंड हो गया, इधर थर्ड पे ओ एच और ये एच, यहां पर ओ एच और ये एच, ये ओ एच और ये एच और ये सी एच टू ओ एच। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और ये सिक्स्थ हो गया। तो यहां पर सेकेंड नंबर का कार्बन एटम और फिफ्थ नंबर का कार्बन एटम ये क्या करते हैं, आपस में एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैसा, हेमीएसिटल, ये एच इस साइड और यहां पर इस तरह का, ये बन गया बीटा डी ग्लूकोज। अब ये क्या करते हैं, इसमें जो फर्स्ट नंबर का कार्बन एटम है यहां से ये ओ एच होता है, क्या करेंगे यहां से इनमें से पहले नंबर का कार्बन एटम का ओ एच और ये सेकेंड नंबर के कार्बन एटम का ओ एच, इनमें से एक ऑक्सीजन, इनमें से एक हाइड्रोजन एटम सेकेंड नंबर के कार्बन एटम से ओ एच और फर्स्ट नंबर के कार्बन एटम के ओ एच से केवल एक ऑक्सीजन रह जाएगा और यहां से चाहे इसमें से एच या फिर इसमें से एच, और क्या करेंगे एक ऑक्सीजन, तो ये एच एच कितने हो गए, दो एच हो गए और एक ऑक्सीजन एटम, ये आपस में कनेक्ट करके क्या बना लेते हैं एच टू ओ और ये मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। अब क्या बचेगा, यहां से एक ऑक्सीजन बचा हुआ है चाहे इसमें से या फिर इसमें से, हाइड्रोजन दोनों बाहर चले गए और एक ऑक्सीजन एटम निकल गया, इन दोनों में क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे, किस तरह से, इधर एच सी, ये पहले ऐसे ही बना लेते हैं चार पांच और ये छह सी एच टू ओ एच, यहां पर एच ओ एच, ये एच ओ एच ओ एच और ये एच और यहां पर एच। इसी तरह से बीटा डी ग्लूकोज, यहां पर सी और ये सी एच टू ओ एच, ये फर्स्ट नंबर का कार्बन एटम और ये सेकंड नंबर का कार्बन एटम, इधर सी ओ एच सॉरी एच और इधर ओ एच, इधर सी ओ एच और ये एच, थ्री फोर और यहां पर फिफ्थ नंबर का कार्बन एटम एच और ये सी एच टू ओ एच, ये सेकंड नंबर का कार्बन एटम क्या कर रहा है, इधर ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है
ऑक्सीजन के साथ इधर ये बॉन्ड अप है, इधर भी ये क्या है साइक्लिक स्ट्रक्चर है, फिफ्थ नंबर के कार्बन एटम से इस तरह से ज्वाइंट है। अब यहां से H2O, एक H और यहां से OH, ये तो बाहर निकल गए, एक ऑक्सीजन बचा हुआ है वो इस दोनों के साथ इस तरह से कंबाइंड में रहता है, और ये जो बॉन्ड बनता है इसे हम बोलते हैं ग्लाइसिड्रिक लिंकेज। इस तरह से ये जो सुक्रोज का फार्मूला है, स्ट्रक्चर फार्मूला है, इसे हम कहते हैं फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। सेम अगर हम इसका हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला या स्ट्रक्चर देखना चाहें तो इसे किस तरह से ड्रॉ करेंगे, तो सबसे पहले इस अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं, इनमें अल्फा डी ग्लूकोज, यहां पर ये पहले नंबर का कार्बन एटम हो गया, इससे क्या लगा हुआ है H, और सेकेंड नंबर का कार्बन एटम इधर H और ये OH, यहां पर थर्ड नंबर के कार्बन एटम पर OH अपसाइड में है और ये डाउन साइड में, इधर फोर्थ नंबर के कार्बन एटम पर H अपसाइड में और ये डाउन साइड में, यहां पर CH2OH और ये H, ये क्या बन गया अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। फिर क्या लेना है, ये बीटा डी फ्रक्टोज बनाना है, तो बीटा डी फ्रक्टोज कैसे बनेगा, यहां पर ये कौन से नंबर के कार्बन एटम से है, सेकेंड नंबर के कार्बन एटम, तो सेकेंड नंबर का कार्बन एटम रहा ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड थर्ड फोर्थ ये फिफ्थ और ये सिक्स नंबर का कार्बन एटम, तो सेकेंड नंबर के कार्बन एटम पर क्या लगा है इधर डाउन साइड में है CH2OH, थर्ड नंबर के कार्बन एटम पर क्या है OH है अप साइड में और H है डाउन साइड में, फोर्थ नंबर के कार्बन एटम पर H अप साइड में OH डाउन साइड में, और जो फिफ्थ नंबर का कार्बन एटम है ये रहा फिफ्थ नंबर का कार्बन एटम, इस पर CH2OH ये अपसाइड में है और डाउन साइड में H है, ये क्या बन गया बीटा डी फ्रक्टोज। इनमें अभी यहां पर हमने OH और इधर ये OH, इस तरह से ऑक्सीजन और ये लिंकेज बन गया, और ये पूरा स्ट्रक्चर किसका हो गया सुक्रोज का, इसे हम क्या कहेंगे हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला, किसका इस सुक्रोज का। नेक्स्ट है सेकेंड माल्टोज, ये जनरली पौधों से प्राप्त होता है और इसे अंकुरित बीजों से जब हम उसे पीस करके माल्ट बना लेते हैं उसमें ये पाया जाता है। इसे बनाने का मेथड क्या है, तो ये पौधों या स्टार्च का फार्मूला होता है C6H12
H10 O5 का होल ऑफ N का जब हम जल अपघटन कराते हैं तब हमें क्या मिलता है, यहां पर माल्टोज C12H22O11 और यहां पर N, ये फाइंड हुआ माल्टोज। इसका जब हम हाइड्रोलिसिस कराएं माल्टोज का C12H22O11, इसका हम माल्टेज एंजाइम या फिर किसी एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कराते हैं, जल अपघटन कराते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, यहां से ग्लूकोज मिलता है और इसके दो यूनिट मिलते हैं, मींस यहां पर दो अणु फाइंड होते हैं हमें किसके, C6H12O6 के। और ये किस तरह का ग्लूकोज होता है, दोनों ही यूनिट अल्फा डी ग्लूकोज की ही मिलती हैं। तो आइए सबसे पहले इसको समझते हैं कि इस माल्टोज का जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है वो किस टाइप का होता है। पहले देखेंगे हम फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। तो ग्लूकोज में अल्फा डी ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो क्या होता है, यहां पर फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला सी इधर एच यहां पर ओ एच इधर सी ओ एच और ये एच यहां पर सी थर्ड नंबर के कार्बन एटम पर ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज रहता है 1 2 3 4 5 और ये सिक्स नंबर के कार्बन एटम पर CH2OH। ये हो गया फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और ये सिक्स्थ। इसमें जो फर्स्ट नंबर का कार्बन एटम है ये फिफ्थ नंबर के कार्बन एटम के साथ इस तरह से एक स्ट्रक्चरल फार्मूला कंपाउंड बनाए हुए हैं, ये रिंग स्ट्रक्चर हो गया इसका। और दूसरा जो अल्फा डी ग्लूकोज है वो भी सेम ही रहेगा क्योंकि दोनों ही कैसे हैं, अल्फा डी ग्लूकोज ही होते हैं। तो ये एच यहां पर सी ओ एच और ये सी ओ एच एच सी यहां पर थर्ड नंबर के कार्बन एटम पर अरेंजमेंट चेंज एच ओ सी ओ एच और ये एच यहां पर सी एच और ये सी एच टू ओ एच। ये फर्स्ट नंबर का कार्बन एटम सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और ये सिक्स। इसमें भी पहले नंबर का कार्बन एटम इस तरह से साइक्लिक स्ट्रक्चर में कवर्ड। अब ये दोनों आपस में जॉइंट रहते हैं किस तरह से, तो इसमें फर्स्ट नंबर के कार्बन एटम का OH और इधर ये फोर्थ नंबर का कार्बन एटम का OH, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, यहां से H और यहां से OH या फिर यहां से H और यहां से OH दोनों मिलकर के वाटर मॉलिक्यूल बना लेते हैं H2O। ये बाहर निकल जाता है जो कि यहां पर हाइड्रोलिसिस कराया था। अब हमें मिलना चाहिए ये, अब क्या होगा C इधर OH इधर H यहां पर C OH H H
OH, C, OH, H और ये C यहां पर फर्स्ट नंबर का कार्बन एटम ज्वाइंट है इस तरह से, और ये CH2OH और ये रहा H। ये पहले नंबर का कार्बन एटम, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ। दूसरा यूनिट भी बना लेते हैं, ये सी 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 CH2OH। यहां पर ये पहले नंबर का कार्बन एटम, यहां पर OH और ये H, OH और ये H, यहां पर OH और इधर H, OH और ये H और यहां पर H। अब क्या होना है, इसका जो फर्स्ट नंबर का कार्बन एटम है और फोर्थ नंबर का कार्बन एटम है, इनसे ये एक वाटर मॉलिक्यूल निकलना है। तो पहले नंबर का कार्बन एटम फोर्थ नंबर के कार्बन एटम के साथ ग्लाइसिडिक लिंकेज फॉर्म करेगा। तो यहां से फर्स्ट नंबर का कार्बन एटम ये रहा और फोर्थ नंबर का कार्बन एटम इधर 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो यहां से ये OH हो गया फिनिश और यहां से ये भी फिनिश, केवल O बचेगा। तो यहां से क्या होगा, ये इस तरह से O और ये इस तरह से ये लिंक रहते हैं और ये स्ट्रक्चर बन गया माल्टोज का। इसे हम फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला या स्ट्रक्चर कहते हैं। बात करें इसके फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला तो ये हो गया, हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला की, तो उसे कैसे ड्रॉ करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले क्या बना लेते हैं, इन अल्फा डी ग्लूकोज के हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला ड्रॉ कर लेते हैं। ये ओ और ये इस तरह से, यहां पर फर्स्ट नंबर का कार्बन एटम, ये बाकी सारे ऐसे ही रहेंगे CH2OH, H, यहां पर H, OH, ये OH, H और यहां पर H, OH, इधर केवल H। यहां पर ये हो गया फर्स्ट नंबर का कार्बन एटम, सेकेंड नंबर का कार्बन एटम, थर्ड नंबर का कार्बन एटम, फोर्थ नंबर का कार्बन एटम, फिफ्थ नंबर का कार्बन एटम और ये सिक्स्थ नंबर का कार्बन एटम। नेक्स्ट यूनिट है वो भी ड्रॉ कर लेते हैं, ये फर्स्ट नंबर का कार्बन एटम, सेकेंड नंबर का, थर्ड नंबर का, इधर फोर्थ नंबर का और ये फिफ्थ नंबर का, यहां पर CH2OH, H, थर्ड नंबर के कार्बन एटम पर OH और ये H, सेकेंड नंबर के कार्बन एटम पर यहां पर H, OH और इधर फर्स्ट नंबर के कार्बन एटम पर H और ये OH, फोर्थ नंबर के कार्बन एटम पर ये H रहा अप में और दोनों ही अप में ही है। अब इनसे फर्स्ट नंबर के कार्बन एटम से और फोर्थ नंबर के कार्बन एटम से क्या करना है, ये ऑक्सीजन को ज्वाइंट कर देना है जो कि ग्लाइसिडिक लिंकेज है, ग्लाइसिडिक लिंकेज। तो ये जो
फार्मूला हमें फाइंड हुआ माल्टोज का, वो हो गया कौन सा, हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला। है थर्ड लैक्टोज, इसे हम मिल्क सुगर भी कहते हैं क्योंकि ये मिल्क में पाई जाने वाली सुगर होती है, इसीलिए इसका नाम मिल्क सुगर भी होता है। ये हमें इसमें लैक्टोज में कौन कौन सी मोनोसैकेराइड्स की यूनिट होती हैं, तो सबसे पहले इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं लैक्टोज। इसका भी जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम ही रहता है, C12H22O11। और जब इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं किसी एसिड डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में, और या फिर यहां पर लैक्टेज एंजाइम की इस प्रेजेंस में, तब हमें क्या क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है और साथ ही साथ हमें मिलता है गैलेक्टोज। अब ये जो ग्लूकोज है वो किस टाइप का होता है, ये होता है अल्फा डी ग्लूकोज, और जो गैलेक्टोज है ये होता है बीटा डी गैलेक्टोज। बात करें इनके फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला की, स्ट्रक्चर की, तो कैसे इसको ड्रॉ करेंगे, तो सबसे पहले अल्फा डी ग्लूकोज का फिशर स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो सी यहां पर OH और ये H, ये फर्स्ट नंबर का कार्बन एटम हो गया, सेकेंड नंबर के कार्बन एटम पर OH, H, थर्ड नंबर के कार्बन पर ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है, और यहां पर OH और ये H, फिफ्थ नंबर का कार्बन एटम H और ये CH2OH, ये हो गया सिक्स नंबर का कार्बन एटम, फिफ्थ नंबर का कार्बन एटम और ये फोर्थ नंबर का कार्बन एटम, ये थर्ड नंबर का और ये सेकंड नंबर का, तो ये बन गया अल्फा डी ग्लूकोज। अब इसका हमें क्या करना है, यहां पर ये फिफ्थ नंबर के कार्बन एटम के साथ इस तरह से जॉइंट रहता है, किससे करानी है, बीटा डी गैलेक्टोज। गैलेक्टोज का भी सेम स्ट्रक्चर होता है लेकिन थोड़ा सा यहां पर डिफरेंस होता है, ये जो फोर्थ नंबर का कार्बन एटम है इसके अरेंजमेंट चेंज होते हैं, तो यहां पर ड्रॉ करते हैं बीटा डी गैलेक्टोज, ये एच इस साइड रहेगा, ओ एच इस साइड, सी ओ एच और ये एच, यहां पर सी एच और ये ओ एच, फोर्थ नंबर के कार्बन एटम पर एच और ओ एच, ये चेंज रहता है, यहां पर सी एच और ये सी एच टू ओ एच, ये बन गया बीटा डी गैलेक्टोज। अब यहां से ये फिफ्थ फर्स्ट नंबर का कार्बन एटम इसके साथ जॉइंड अप रहता है, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और ये सिक्स नंबर का कार्बन एटम, तो जब ये जॉइंट होंगे तो यहां पर एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालेंगे, और इसमें क्या होता है, इसका
जो फोर्थ नंबर का कार्बन एटम है इस पर लगा ये हाइड्रोक्सी ग्रुप, और फर्स्ट नंबर के कार्बन एटम पर लगा हाइड्रोक्सी ग्रुप। ये दोनों आपस में रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल बना लेते हैं, तो H और OH, ये बाहर केवल एक O बचता है, और क्या बनाएंगे ये सी ओ एच एच सी ओ एच एच सी ओ सॉरी एच ओ एच यहां पर सी और ये एच सी ओ एच एच और ये 1 2 3 4 5 सी एच टू ओ एच। ये फर्स्ट नंबर का, ये सेकेंड नंबर, ये थर्ड नंबर, ये फोर्थ नंबर, ये फिफ्थ नंबर और ये सिक्स। तो फिफ्थ नंबर का कार्बन एटम फर्स्ट के साथ इस तरह से ज्वाइंट है, बीटा डी गैलेक्टोज भी बना लेते हैं, इधर एच ओ सी एच, ये फर्स्ट नंबर का कार्बन एटम रहा, ये सी ओ एच एच यहां पर सी एच ओ एच ये सी, ये फोर्थ नंबर का कार्बन एटम एच ओ एच, फिफ्थ नंबर के कार्बन एटम पर एच और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर, तो ये बन गया बीटा डी गैलेक्टोज। अब यहां से ये OH और इधर फोर्थ नंबर के सॉरी फर्स्ट नंबर के कार्बन एटम का OH, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, तो यहां से होगा क्या, ये फर्स्ट नंबर का कार्बन एटम इसके फिफ्थ नंबर के कार्बन एटम के साथ इस तरह से ग्लाइसेडिक लिंकेज फॉर्म कर लेता है, ग्लाइसेडिक लिंकेज, ग्लाइसेडिक आबंध भी कहते हैं इसे हिंदी में। तो ये जो फॉर्मूला बन गया ये है लैक्टोज, जिसे हम कहते हैं फिशर का प्रोजेक्शन फॉर्मूला, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। बात करें इसके हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला की, तो उसे किस तरह से ड्रॉ करेंगे, तो सबसे पहले ये क्या करते हैं अल्फा डी ग्लूकोज का हावर्थ प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, यहां पर ये ओ और ये फर्स्ट नंबर का कार्बन एटम, इधर एच ओ एच, सेकेंड नंबर के कार्बन एटम पर एच ओ एच, थर्ड नंबर के कार्बन एटम पर यहां पर ओ एच अपसाइड में और एच डाउन साइड में, फोर्थ नंबर के कार्बन एटम पर एच और ओ एच, और फिफ्थ नंबर के कार्बन एटम पर सी एच टू ओ एच अपसाइड में और एच डाउन साइड में, ये फिफ्थ हो गया और ये सिक्स्थ हो गया। अब बना लेते हैं बीटा डी गैलेक्टोज, तो इसमें ये साइड बना लेते हैं, साइड में बना लेते हैं बीटा डी गैलेक्टोज को, तो यहां पर फर्स्ट नंबर का कार्बन एटम क्या है एच है अपसाइड में और इधर था ओ एच, इसे बाद में ठीक कर लेंगे, सेकेंड नंबर के कार्बन एटम पर एच अपसाइड में ओ एच डाउन साइड में, थर्ड नंबर के कार्बन एटम पर ओ एच अपसाइड में और डाउन साइड में, ये फोर्थ नंबर के कार्बन एटम पर ओ एच अपसाइड में और एच डाउन साइड में, और फिफ्थ नंबर के कार्बन एटम पर सी एच टू ओ एच, ये अपसाइड में, ये सिक्स नंबर का हो गया और ये एच हो गया। अब क्या होगा बीटा डी गैलेक्टोज, ये बीटा डी गैलेक्टोज रहा, इसका ओ एच और इधर
फोर्थ नंबर का कार्बन एटम का OH, ये आपस में रिएक्ट करेंगे और वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे और यहां से OH HOH बाहर और केवल यहां पर क्या रह जाएगा, ऑक्सीजन, जो ग्लाइसिडिक लिंकेज से यहां पर बॉन्ड अप हो जाएंगे और ये बन गया किसका, माल्टोज का, सॉरी लैक्टोज का हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला, हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला या स्ट्रक्चर। तो आज की इस वीडियो में हमने डाइसैकेराइड्स जिनमें सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, इन तीनों की स्टडी की। आगे नई वीडियो के साथ हम फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।